हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नेहा श्रीमाली। मैं आज स्पेशली टीनेजर्स के लिए वीडियो लेके आई हूँ कि हम मॉर्निंग में कैसे स्किन केयर रूटीन कर सके। ये वीडियो स्पेशली 17, 18, 19 के टीनेजर्स के लिए है कि तब हमें पिंपल्स, ब्लैक हेड्स जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, तब हम बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि यार मुझे क्या हो गया, इससे मैं कैसे दूर करूँ और ये क्यों हो गया है। तो एक क्यों हो गया है, इसका आंसर यह है कि जब हम टीनेज में प्रवेश होते हैं तब हमारी बॉडी में कई तरह के फेरफार आते हैं, वजह से हमें पिंपल्स, ब्लैक हेड्स जैसे प्रॉब्लम हो जाते हैं। और इससे हम कैसे दूर करें, ये जानने के लिए वीडियो को देखते रहे। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। हे गाइस, तो अब हम करेंगे सबसे पहले फेस वॉश। फेस वॉश करने से हमारी स्किन क्लीन होती है। ये हमें हमारी स्किन को सूट करे वो फेस वॉश यूज़ करना चाहिए। अगर आप टीनेज में हो और आपको पता नहीं चल रहा कि आपकी स्किन कौन से टाइप की है, ऑयली है, नॉर्मल है या ड्राई है, वो आपको पता नहीं चल रहा है, तो आपको ऑल स्किन टाइप को सूट करे वो फेस वॉश यूज़ करना चाहिए। अगर आपको वो भी पता नहीं चल रहा है तो आपको स्पेशली होममेड फेस वॉश यूज़ करना चाहिए। और होममेड फेस वॉश बनाने के लिए सिर्फ हमें चाहिए एक मसूर की दाल पीसी हुई और उसमें मिक्स कर लेना है ये रोज़ वाटर। ये दोनों मिक्स करके बन जाएगा एक हमारा होममेड फेस वॉश। और अब जब मन चाहे तब इसे लगा देना। सभी स्किन टाइप के लोगों को यूज़ करना चाहिए, चाहे आपकी स्किन ऑयली हो, ड्राई हो या नॉर्मल, आपको टोनर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। इससे हमारे ओपन फोर्स मिनिमाइज हो जाते हैं और हमें ब्लैक हेड्स एंड पिंपल्स जैसी प्रॉब्लम नहीं होती। मैं रोज़ वाटर यूज़ करती हूँ एज अ टोनर, आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ये सभी स्किन टाइप के लिए बेस्ट है। कभी स्किप नहीं करना चाहिए, और ख़ास तौर पर अगर आपकी स्किन ड्राई हो तो आपको मॉइस्चराइज़र कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। मैं अरोमा मैजिक का ए मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। ये मार्केट में ज़्यादातर मिलता नहीं है, इसीलिए मैं इसे ऑनलाइन ही परचेस करती हूँ। पर अगर आप टीनेज में हो तो आपको पॉन्ड्स का ए मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए। ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है और ये प्राइस में भी अफोर्डेबल है। तो चलिए अब मॉइस्चराइजर लगाते हैं। सनस्क्रीन लगाना बहुत ही ज़रूरी है, इससे हमारी स्किन काली नहीं होती और जो सन से निकले हुए
यूवी रेसिस से ये हमारी स्किन को बचाता है और सनटैन होने से हमारी स्किन को बचाता है। हमारे स्किन में लिप्स को भी हम कैसे भूल सकते हैं, हमारे लिप्स का भी केयर करते हुए हमें लगाना चाहिए लिप ग्लॉस। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इसका मैं पार्ट टू भी बनाने वाली हूँ। मतलब कि ये था मॉर्निंग रूटीन, तो मैं नेक्स्ट नाइट रूटीन भी बनाने वाली हूँ, तो वो देखने के लिए चैनल पे बने रहेगा और अपने फ्रेंड्स या फैमिली को भी ये वीडियो जरूर भेजना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरे वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।